पूरा नहीं होगा। जो मैंने केक आई है। हेलो गाइस, तो जैसे कि आज मैं आया हूँ हुमायूं का मकबरा और मैं यहाँ आपको जगह जगह के एक एक में व्यूज़ दिखाना चाहूँगा कि आखिर अंदर ऐसा है क्या चीज़ जो लोग यहाँ बहुत भीड़ लगाते हैं और लोग घूमने के लिए आते हैं। तो देख सकते हैं वो एक सामने किला है, मैं आपको वहाँ लेके जाके दिखाता हूँ कि वहाँ का व्यूज़ दिखाऊँगा आपको। तो बने रहें हमारे साथ, कहने जाए लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबाएं और मैं चलता हूँ। आपको देख सकते हैं हम आ चुके हैं हुमायूं का मकबरा पे और यहाँ से देख सकते हैं वहाँ से बिल्कुल हर जगह पे किला है और कितना खूबसूरत जगह है देख सकते हैं आप। तो गाइस देख सकते हैं हम अंदर आ चुके हैं और ये वही किला है जिसे हुमायूं का मकबरा कहते हैं। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ इस किले के अंदर और नहीं। इसके रहस्य जो है वो मैं आपको अंदर का रहस्य दिखाऊंगा कि आखिर ऐसा क्या चीज़ था जो हुमायूं अकबर ने जो यहाँ इतने सालों राज किया है और उन्हीं का इतिहास है ये जो आज भी लोग बाखूबी से और बिल्कुल पैसे खर्च करके लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि ये हमारा इंडियन कल्चर में जो है ऐतिहासिक किला है। मैं आपको उस जगह पे लेके चलता हूँ और देख सकते हैं इधर से वो रास्ता है जिस तरफ से भी हम आए हैं और ये रोड पूरी राउंड से में गार्डन है और इस तरफ भी देख सकते हैं बिल्कुल जो है कि सब गार्डन ही है और चलते हैं अंदर के देखते हैं तो है कि। और यहाँ बहुत कुछ दिखाने के लिए है जो मैं आपको पल पल की चीज़ दिखाऊँगा, राउंड से दिखा रहा हूँ। ये चारों तरफ से आपको एक ही राउंड में दिखेगा और देख सकते हैं ये। सो गाइस देख सकते हैं ये वो है जगह जहाँ हुमायूं के अंदर मस्जिद था और मस्जिद है, पता नहीं इसमें नमाज़ होता है या नहीं ये तो कह नहीं सकते, बट ये वही मस्जिद है जिसमें हुमायूं। तो गाइस वो ये वो मस्जिद है जो हुमायूं साहब जो अकबर थे हमारे बादशाह वो इस मस्जिद में नमाज अदा करते थे और वो मस्जिद आज भी देख सकते हैं कि जिस तरह से माशाल्लाह इतना खूबसूरत प्लेस, इतना खूबसूरत मस्जिद है इसका मैं कह नहीं सकता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप कृपया जूते उतार के जाएं, कृपया जूते उतार के जाएं। लेकिन गाइस यहाँ पे कोई रूल को फॉलो नहीं करता, सामने देख सकते हैं लोग जूता पहन के ही अंदर जा रहे हैं। तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अंदर आए हैं तो अगर कोई नहीं पता है तो पहले पढ़ें और फिर इस चीज़ को यूज़ करें क्योंकि ये धर्म के ख़िलाफ़ है और ये किला के साथ एक मस्जिद है जो पवित्र जगह है इसको। और मैं आपको अंदर जूते उतार के जाऊंगा, देख सकते हैं ये मैंने जूते उतार लिए और ये वो मस्जिद है। मैं आपको अंदर ले जाके दिखाना चाहूँगा कि इसमें अरबी में भी जो लिखा हुआ है उसे साफ शब्दों में अगर आप पढ़ना जानते हैं गाइस तो आप पढ़ सकते हैं। और ये देखिए ये वही मस्जिद है जहाँ पर लोग जो जिनको पता नहीं है जो फॉलो रूल नहीं कर रहे हैं वो फिर भी अनजान हैं और यहाँ जूते पहन के आना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लोग जूते पहन के आते हैं क्योंकि उस लोग को पता नहीं है, बोर्ड पढ़ते नहीं हैं ऐसे चले आते हैं। और देखिए साथ में अरबी में लिखा हुआ, ये बहुत पुराना मस्जिद है ये। चलिए गाइस यहाँ तो हो गया, जो देखना तो मैंने देख लिया और लोगों को मैंने समझाने की कोशिश चाहता हूँ कि आप जब भी आए हुमायूं के मकबरे में तो कृपया जूता चप्पल को उतार के आए क्योंकि एक मस्जिद है और जिसको नहीं पता है तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप आएँ कभी भी यहाँ घूमने के लिए तो आप नीचे एक बोर्ड दिया गया जहाँ मैंने आपको दिखाया था उसको ज़रूर फॉलो करें। और गाइस देख सकते हैं ये वही कुआँ है जिसमें से वजू खाना के लिए पानी निकाला कर करते थे और आज भी देखिए पानी इसमें है। तो गाइस मैंने आपको अभी वो हिस्सा दिखाया बट अब मैं आपको ये हिस्सा दिखाऊंगा जो हुमायूं का मेन किला है और मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ। तो चलिए बने रहे हमारे साथ और देख सकते हैं आपको यहाँ पूरा मैं व्यूज़ दिखाने वाला हूँ। सो गाइस हम अंदर और यहाँ से बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है आपको। तो गाइस देख सकते हैं ये वो मैप है हुमायूं का मकबरा जो अभी तब्दील हुआ है
और इसमें ऐतिहासिक का भी दरक है। और देखिए जो ये म्यूज़ियम में है, ये ईशा खान मकबरे की खुदाई के दौरान जो आभूषण मिले थे उनके साथ ये पुराने पुराने उनके बर्तन मिले हैं, जो मिट्टी के भी घड़ा है, वो प्याला है, सब कुछ है जो बहुत पुराने थे। और ये बादशाह हुमायूं का जो है 1508 में बनाया था। और देख सकते हैं इतना सारे बढ़िया से लिखे हुए कि आप कभी आए तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। और ये बादशाह जो थे मुग़ल, उनके बेटे हुमायूं का मकबरा है ये। बहुत टाइम लगेगा इसमें करने में, मतलब एडिटिंग करने में। और ये वो किला है जो बहुत पुराना पहले हुआ करता था, जो ऊँट की सवारी घोड़ों की सवारी से अंदर जाया करते थे। और इसको अब जो थोड़ा हल्का कर दिया है तोड़ के, क्योंकि बहुत बड़ा हो बहुत पुराना था, तो नए सदी है तो जैसे 1321 में तब्दील हुआ करता था ये। सारे आप एक एक आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये वो रास्ता है मैप का जो बहुत पुराना हुआ करता था, यमुना नदी के किनारे बना था ये। गाइस देख सकते हैं बहुत ऐतिहासिक है। तो गाइस ये भी देख सकते हैं कि जो ये है पूरा मैप है वो पुरानी किला हुमायूं का मकबरा का। और ये देखिए ये जो राउंड में है सर्किल है ये, जो आप आए होंगे रास्ते में तो आपको मिला होगा। ये देखिए ये वो सर्किल है जो निज़ामुद्दीन का जो मेन सर्किल है जो आपने देखा होगा रास्ते में आने के टाइम। और ये पूरा जो नक्शा है सिर्फ हुमायूं का ही है जो मुग़लवाद ने जो 1508 में बनाया था, और ये हुमायूं का मकबरा है। और देखिए ये पूरा मैप में आपको जो जहाँ जहाँ आप पूरा हिस्ट्री दिखा रहे थे। और ये जो ये अंदर का जो है ये मेन हिस्सा ये है, यहाँ पे जगह जगह पे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। और देख सकते हैं आज थर्सडे है फिर भी भीड़ देखिए, मानो कि कोई वीक हो, सैटरडे या संडे हो, यहाँ हमेशा जी जी हाँ ऐसे ही है। और चलने चलते पे हम सकते हैं और ये गाइस देख सकते हैं ये वो हिस्सा है जो अंदर जाने के लिए इधर से रास्ता नहीं है, अब मैं पूरा आगे से घूम के जाना होगा। और ये आपको मैं जाली से दिखा सकते हैं जो हुमायूं का मकबरा है वो यही वो अंदर मकबरा है। और देखते हैं अगर मुझे अंदर जाने का मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल मैं आपको अंदर जा के दिखाऊँगा, बट नहीं तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हर लोग खुश लोग आए हैं। देख सकते हैं यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है और मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखिए ये वही मकबरा है और चलते हैं हम अंदर, क्योंकि मुझे दिख गया है लोग अंदर में हैं, तो गाइस मैं भी जा सकता हूं। और हमारे शमशेर भाई हमारे साथ बिल्कुल सहयोग दे रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ कदम से कदम मिला के हर एक चीज़ को ये बताते हैं कि शमशेर भाई जी भाई आप अंदर आए, माशाल्लाह घूमने का है, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं और ऐसे पिकनिक के तरह लोग आए हुए हैं अपने साथ टाइम काटने के लिए। तो चलते हैं, मैं अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ अंदर में क्या क्या है और कैसा है, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक अंदाज़ है कि जो मकबरा है उनका जो कब्र है हुमायूं जी का वो फौशा का वो अंदर में ही है। और चलते हैं अंदर। देखिए ये जो है चारों तरफ से एक ही डिज़ाइन है, लगता ही नहीं कि हम इधर से आ रहे हैं या उधर से आ रहे हैं। और यहाँ कोई कुछ फिल्म की शूटिंग भी हुआ था जैसे देख सकते हैं, इनसे हमने पूछा था ये काम कर रहे हैं तो ये बताया यहाँ पे जो लाइटें खुल रही हैं यहाँ पे कोई शूटिंग हुई थी मूवी की, बट कौन सा हुआ था ये लाइटिंग वाले को पता नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम चले गए थे लाइट लगा के। और ये देखिए यार बादशाह जो था किस अंदाज में गुजारा है और कितना बड़े से गुजारा है इसका मैं कह नहीं सकता हूँ। और इनका खासियत ये है कि चारों तरफ से देखिए, इधर से भी वही जीना है, उस तरफ से हम आए तो भी वही जीना, तो चारों तरफ जो है वो सिर्फ एक ही जैसा है, कुछ भी नहीं है अलग, बिल्कुल सेम। किस तरह से बनाया होगा जब उस टाइम ना सरिया हुआ करता था, बगैर पिलर के खड़ा करके बनाया है। और चलते हैं अंदर, तो लेके चलते हैं गेट में ये हुमायूं का
ये वो कब्र है हुमायूं का जिसे अब आप देख रहे हैं। हाँ ऐसे एकदम भूल गए एकदम भूल गए। और एक दरवाज़ा और है, अंधेरा है बट कोई नहीं, मैं आपको ले अंदर लेके चलता हूँ तो देख सकते हैं। एक वहाँ मज़ार है जो हुमायूं के में से ही अंदान में से लोगों का है। तो यहाँ पर तीन मज़ार है देख सकते हैं, तीन कब्र है। गाइज यहाँ से अब हम बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अंदर का मैंने काफ़ी वीडियो बना ली। देखिए हर तरफ का दरवाज़ा आपको एक जैसा ही दिखेगा। और यहाँ से हम बाहर आउट हो रहे हैं, पहले इन हुए थे अब यहाँ से हम आउट हो रहे हैं। और सामने तो गाइज देख सकते हैं और भी आगे किला है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत इतना बड़ा है कि शाम तक ही वीडियो बनाऊँगा तो भी वीडियो पूरा नहीं होगा। हुमायूं टॉम्ब से अब हम जा रहे हैं, जितना बनाना था हमने बना लिया। और मुझे घूम के बहुत मज़ा आया क्योंकि यहाँ जितना भी घूमो कम है, आप थक जाओगे लेकिन ये जगह ख़त्म नहीं होगा और हर तरफ आपको एक जैसा ही मिलेगा। तो चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट वीडियो के लिए, कहीं और जाना होगा। यहाँ का जो था मैंने पूरा कर लिया है तो बाय बाय।